Okay, hello everyone. Welcome back to a new video. Welcome back to class outside and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very, very important topic of chemistry. On exam point of view and on ETA point of view and MDK needs and so on. Very important. That is, that how you can define oxidation state definition of oxidation state on the base of definition of oxidation, oxidation on the base of oxidation state or number. Definition of oxidation and reduction on the base of oxidation state or oxidation number. Matlab oxidations ko, reductions ko, that what is oxidation and what is reduction, hum kaise define karenge on the base of oxidation state. So let me explain. Oxidation, oxidation kya hai? Increase of oxidation state, increase of oxidation state of an element during chemical reaction as known as oxidation state. क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है. फिर उसको उलट कर दें कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट एज नोन एज रिडक्शन. So the second one is reduction. Reduction. Reduction is what? Decrease of oxidation state. Of an element during chemical reaction. Chemical reaction के दौरान element के oxidation state जो कम होता है वो reduction कहलाता है, और अगर reaction के दौरान element का oxidation state increase हो रहा है तो reduction कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ज़रा स्क्रीन शॉट ले लें डिफिनीशन से, फिर आगे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज हो और डिक्रीज हो तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाएगा. योर डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट and that is increase of oxidation state. For example, jab hydrogen oxygen ke saath milaye
कितने ऑक्सीजन एटम है? टू, लेकिन हमें एक चाहिए, सो आप इसको हाफ कर दें, दैट इज हाफ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन हुआ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो इससे वाटर बन जाता है H2O, ठीक है, वाटर बन जाता है। अब मुझे बताएं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड H2। वेल डन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड H2 इज जीरो। Why? Let me explain. देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद है, कि इधर हाइड्रोजन का किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो मैंने आपको, अगर याद है, किस तरह एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज आता है, तो मैंने कहा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो दूसरे से कैंच लेता है, तो एक नेगेटिव बन जाता है, दूसरा पॉजिटिव, सो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लाइक HH, दोनों बाई बाई हो, तो फिर जितना ये कैंचता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उतना ही ये एटम भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंचता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना इधर आएगा ना इधर आएगा, सो मतलब ना कोई लॉस करेगा ना कोई गेन करेगा, दोनों जब सेम एलिमेंट एटम हो, तो जब ना लॉस करेगा ना गेन करेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। जब कोई चार्ज नहीं आएगा, सो इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा NH2 हाइड्रोजन, दैट इज जीरो। हाइड्रोजन का H2 में क्या है? दैट इज जीरो। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन हेयर, दैट इज अगेन जीरो, अगेन जीरो। आप कहेंगे, सर जब दोनों एक जैसे हो एटम, लाइक वो तो ठीक है, वहाँ जीरो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं कर रहा, म्यूचुअल शेयर्ड है, एक तरफ नहीं जाता, तो इसी वजह से लॉस गेन नहीं, सो जीरो। लेकिन जब एटम अकेला हो तब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज क्यों नहीं आता? तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद है, कि अकेला एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ना गेन करता है, अकेला एटम ना लॉस करता है ना गेन करता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेने देने के लिए दो एटमों का होना ज़रूरी है, लेने देने के लिए दो एटमों का लेना ज़रूरी है, कि एक एटम दे और दूसरा ले। देने वाला तब ही देगा अगर कोई लेने वाला मौजूद है, लेने वाला नहीं है तो एटम इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि जी बस वैसे फेंक दे, लेने वाला है तब देगा, देने वाला है तब लेगा। तो दो एटमों का होना जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस गेन के लिए। जब एटम ही अकेला है तो अकेला एटम तो ना देता है ना लेता है, तो नो चार्ज अगेन, सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन व्हाट? जीरो। बट इन केस ऑफ वाटर H2O, मैंने आप लोगों को नॉन मैथमेटिकल वे बताया था, अगर याद है, मैथमेटिकल वे से नहीं निकालते, नॉन मैथमेटिकल वे से निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे दोनों एटम एक जैसे हैं, बाई बाई है, नो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? यस, ऑक्सीजन खींचेगा, सो नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। इस वन के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अगेन यस, ऑक्सीजन खींचेगा, सो नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हुआ? -2। क्या हुआ? -2। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? दैट इज +1। कितने हाइड्रोजन है? 2, सो मल्टीप्लाई विद 2, एक का +1 है सो दो का +2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का -2 सो न्यूट्रल। बात समझ आ रही है ना? तो अब जरा इस रिएक्शन में देखें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। डेफिनेशन पे आ जाए, मैंने क्या कहा था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए वो रिडक्शन कहलाता है। कहा था ना, तो अब इस रिएक्शन में देखो कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। लेट्स सी, हाइड्रोजन जो है जीरो से चला गया किधर, प्लस वन पे। अब मुझे बताएं, एक बंदे के पास जेब में जीरो रुपए हैं, थोड़ी देर बाद उसके जेब में एक रुपया आ गया, तो मुझे बताएं उसके जेब में पैसे बढ़ गए या कम हो गए। आप कहेंगे सर सब जीरो से एक हो गया तो इसका मतलब बढ़ गया। सो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से जब प्लस वन गया इसका मतलब बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। सो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिस स्पीसीज में ऑक्सीडेशन हो जाए दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइज, उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू प्लस वन। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें, वट इज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर, जीरो, लेकिन प्रोडक्ट में वाटर में वट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, माइनस टू। तो बताए जब चीज जीरो से माइनस टू पे चला गया तो कम हुआ ज्यादा हुआ, yes, कम हुआ। लेकिन जीरो से प्लस टू पे गया होता तो मैं कहता इंक्रीज, जीरो से माइनस टू पे चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन कम हुआ। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। सो दैट इज रिडक्शन, और जिसमें रिडक्शन हो जाता है वी कॉल देम दे आर रिड्यूस। सो इन सच एग्जांपल हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज but oxygen is reduced, why? Because in such a reaction oxidation state of hydrogen is increased and oxidation state of oxygen is decreased. Increase of oxidation state is known as oxidation, decrease of oxidation state is known as reduction. So that is the definition of oxidation reduction on the base of oxidation state. बात समझ आ गई सबको। अब सिर्फ इस रिएक्शन में मैं बात नहीं कर रहा, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दे दिया, कोई भी रिएक्शंस हो वहां आप ऐसे कर ले, पहले सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे, फिर देख ले किसका डिक्रीज हुआ है किसका इंक्रीज हुआ है। जिसका इंक्रीज हुआ होगा वो ऑक्सीडाइज, जिसका डिक्रीज हुआ होगा वो रिड्यूस। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए नाम से जाहिर है रिडॉक्स में दो वर्ड है, एक रेड है दूसरा ऑक्स है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ हो दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो वन स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज एंड द अदर इज रिड्यूस, एक्स मींस इन सच अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ अकर, सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वंस अगेन इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, अब एक और चीज भी
एक और एग्जांपल में मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि जी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन। ये सपोज जिंक है, जिंक रिएक्ट विद HCl, सो दे प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। नाउ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे सबके ऊपर, फिर बताता हूँ विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस। आप लोगों ने भी ऐसा करना है कि अगर केमिकल रिएक्शंस के दौरान केमिकल रिएक्शन में आपसे भी पूछे कि जी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले आप हर एक के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे, फिर उसके बाद देख ले किसका ज्यादा हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, तो फिर बहुत पता चल जाएगा विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस। ओके, ये कौन सा एलिमेंट है? दैट इज जिंक। बेचारा अकेला है, तो मैंने क्या कहा था कि जब बंदा अकेला हो तो ना वो दे सकता है और ना वो ले सकता है, तो इट मींस कि देयर विल बी नो चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। ये एक रूल है, याद रखिए कि एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। सो ये एलिमेंट्री स्टेट है, सो यहाँ जीरो होगा। ओके, HCl में मुझे कौन बताएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन HCl? मैंने पहले भी बताया था कि HCl में व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉन खींचेगा H से, सो दैट इज -1, दैट इज +1, सो +1 एंड दैट इज -1। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? +1। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? दैट इज -1। ओके, कौन बताएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक एंड जिंक क्लोराइड? अगेन जरा स्ट्रक्चर देखें जी, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिंक और क्लोरीन? यस, क्लोरीन। सो ये खींचेगा, सो -1 दैट इज +1। यहाँ कौन खींचेगा? अगेन क्लोरीन, -1 दैट इज +1। सो हाउ मेनी प्लस ऑफ द जिंक? 2, एंड क्लोरीन -1, 2 है, सो -2। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन। द लास्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड H2? यस, दैट इज जीरो, जीरो, बिकॉज दोनों बाई बाई है, सेम एटम है, सो इसी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड H2। मैंने कहा था कि जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो फिर कोई नहीं कैचेगा, सो देयर इज जीरो। ओके, सो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से गया +2, कम हुआ ज्यादा हुआ? यस, ज्यादा हुआ। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। सो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और यहां पे देखें H का +1 उधर जीरो, क्लोरीन का -1 -1, ये ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है क्लोरीन, सो इसको छोड़ दे। हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन देखे +1 से गया कितना? जीरो पे। सो इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। सो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। So that is oxidation because increase of oxidation state, that is reduction because decrease of oxidation state. And decrease of oxidation state is reduction, and increase of oxidation state is known as oxidation. बात समझ आ रही है ना सबको? तो ये oxidize हुआ, H plus reduce हुआ, क्लोरीन जो है ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड दैट इज रिडक्शन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। Why? Because इस reaction में भी दोनों reaction है, that is oxidation as well as reduction. तो एक reaction में अगर दोनों reaction हो, oxidation as well as reduction, that is known as redox reaction. Redox. So that is also the example of redox reaction. बात समझ आ गई? What is oxidation reduction in terms of oxidation state? So that is all about oxidation reduction in terms of oxidation state. लेक्चर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में होगा, तो मैं इसी में एग्जांपल दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसी में एग्जांपल दूंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से पहले
ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जरूर सीखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.